हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिख ब्लॉग्स। और ये हमारे मोंटी मोंटी आए कर दे। हाय हाय गाइस। और गाइस, मैं आज आपको अपने गांव का कुछ ऐतिहासिक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो हमारे गांव में बहुत पुरानी है। जैसे कि गाइस, ये हमारे गांव का कुआं है ना, और ये हमारे मोंटी जी के खेत हैं ये, जिसमें आलू हो रखे हैं। और ये क्यूट से पप्पी है, जो कल एक पप्पी इसमें कुएं में गिर गया था, जो कि यहाँ पर ठंड के मारे कांप रहे हैं। देखो निकल रहा तो गाइस, हम जा रहे हैं भट्टे पे घूमने, और घूमते घूमते हम देखते जा रहे हैं गांव का नज़ारा अपने का। कुछ देर मैं और मोंटी अभी अकेले ही हैं, कुछ देर में देखते हैं कहीं घूमने को मिल जाए। तो ये तरफ भगा रहा है, ये मोंटी कह रहा है, मोंटी सब चीज़ को बताना चाह रहा है, गाँव की सारी चीज़ जो है ना, वो सारी चीज़ समझाना चाह रहा है डिटेल में। डिटेल लाया को दिखाओ पीछे, देखो लाया, देखो गाइस ये लाया, जिसमें वो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी है वो शाहरुख खान वाली है मोंटी, शाहरुख खान वाली मूवी वो है, वो उसमें आता है गाइस, बाद में बताएंगे, आप बताओ। वो भक्के आता है शाहरुख खान, तो वो वाली मूवी है, उसमें देखते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, तुझे देखा है सनम वो वाला? हाँ, वो वाली मोंटी, यस निक्की, शायद वही है। हाँ, तो गाइस जैसे कि हम चलते जा रहे थे, तो हमने बताया था ना कि भट्टे पे जाएंगे घूमने, तो भट्टे पे आ गए हम। और अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ जो भट्टे पे जो ईंट वगैरह जो लेबर जो पाती है जो काम करती है, वो सारा काम दिखाएंगे अभी आपको। बनने का काम, जैसे जो ईंट जहाँ से मेड अप हो जाती है, उसके बाद जो पकाई जाती है वो तो बाद में अलग है, जो पहले बनाई जाती है यहाँ से वो ये है। देखो हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सोनी का काम है। देखो ये बेचारे ठंडों में रहते हैं, ये देखो ये ऐसे रहते हैं ठंडों में, बहुत मेहनत करते हैं। और आइए एक दो से रिव्यू लेते हैं, मोंटी चलते हैं फिर एक दो इनसे रिव्यू लेते हैं। आज हम आए हैं भैया के पास, पूछते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये हमारे एक भैया हैं, ये हमें जो यहाँ पे रहते हैं जो काम वगैरह करते हैं। भैया इधर देखो, इधर आ जा भाई, इसमें आ जा यार। भैया कुछ बताओ अपने काम, भैया बताओ कुछ जरा, अपना नाम क्या है आपका? पप्पू भाई, भैया का नाम पप्पू है। और भाई बता रहे हैं ये कुछ भट्टे की ईंटों के बारे में, जो दो भैया बताते हैं। जैसे कितने ईंट पात लेते हो भैया दिन में? 25 ईंट पात लेते हैं। कितना मतलब एक ईंट का कितना प्राइस होता है आपके का? एक ईंट मतलब कितना एक दिन में, एक दिन में कितने ही कमाई कर लेते हो तुम इससे? कितने कमाई कर ले? 400। ये भैया 400-800, इसमें थोड़ा तेज बताओ। ये भैया बता रहे हैं 400-800 ईंट की कमाई कर लेते हैं एक दिन में, तो काफ़ी है। और भैया देखना ऐसे ठंड में रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत तो करते हैं सुबह से शाम तक, मेहनत करते हैं। और ये मोंटी है, तो गाइस और ये मोंटी मजे ले रहा है। भाई हाय कर दे एक बार, तो इसमें हाय कर दे ब्रो। ठीक है, माय नेम इज पप्पू, बोल दे माय नेम इज पप्पू। गाइस जैसे कि हमने बताया था आपको कि आपको रिव्यू दिवाया ना थोड़ा बहुत, तो अभी देखते हैं, अभी भट्टे पे चलते हैं, भट्टे पे और रिव्यू दिवाते हैं आपको अभी। ठीक है गाइस, तो गाइस अब जा रहे हैं धीरे धीरे पैदल पैदल, ये भी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ये घर बना के कैसे रहते हैं ईंटों के। और गाइस देखो, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये घर कैसे बनाते हैं देखो, तो पीछे आप देखना, ये जो पीछे ना, ये ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे घर बनाते हैं। और जैसे वो पीछे वाला वो जो दिख रहा है वहाँ पे, वो ऐसे ऊपर से उसको ढक के और ऐसे तब रहते हैं यहाँ पे, इतनी ठंड है। मोंटी कितना सेल्सियस कितना डिग्री हो रहा होगा यहाँ पे इस टाइम? हाँ, तो गाइस इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही तारीफ करूँगा मैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और वो भी दिन में 800 से 400 रुपए की कमाई कर पाते हैं। ये देखो बनाने का तरीका, ये देखो ये सब चीज़ आपको दिखाया मैं, हमारे गांव में ये लेबरर का काम होता है, ये भट्टे सामने जो ये पेड़ है ना, इसके सामने भट्टा, देखो भाई देखो ऐसे काम करते हैं, ये देखो देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऐसे काम करते हैं। देखो माइकल से मैं भी शामिल हूँ, करना चाहता है वो आ जाना इसमें, और जो करना चाहता है वो भी कहना चाह रहा है। मोंटी तो अपनी वैकेंसी निकाल दो, वैकेंसी निकल रही है इसकी, जिसको भी आना है पूरे ऑल इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट है इसमें। ले मोंटी ने पूरे ऑल इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहा है यार। और गाइस ये बच्चे देखो पानी ले लेके जाते हैं ऐसे, कितनी दूर से मेहनत करते हैं बच्चे, देखो देखो कितने छोटे छोटे काम बनाने के लिए, खाना पीना बना लेके नहाने के लिए देखो। और ये सामने आपको ये भट्टा दिख रहा होगा, ये भट्टा है, ये देखो ऐसे ऐसे घरों में सर्वाइव करते हैं ऐसे। देखो गाइस ये कुछ लेडीज हैं, देखो भाई ऐसे ये ऐसे छूट पे आते हैं, और वो ट्रैक्टर जा रहा है वैसे, उसमें मट्टी आती है वो ट्रैक्टर में ना,
उसमें मिट्टी भर भर के आती है, पेस्ट बन के आता है। और ये जो जो ईंट जो बन के तैयार होती है कच्ची वाली ईंट, वो फिर ऐसे ढकी जाती हैं यहाँ पे गाइस। फाइनली हम मेयर मोंटी भट्टे पे आ गए हैं। यस। और देखो जी दिखाएं आपको, देखो ये जो ऐसी ये ईंट यहाँ पे ऐसे हो जाती हैं, देखो ऐसे पक्के ऐसे यहाँ पे रखी जाती हैं गाइस। और अभी आपको हम भट्टा दिखाएंगे भीतर से, तो कैसे कैसे क्या सिस्टम होता है उसमें। मोंटी भाई तो बताना फिर आप, तो आपको थोड़ी नॉलेज हो, मेरे को तो भाई इतनी नॉलेज है नहीं भट्टे वगैरह की। हाँ जी भट्टे की तो मेरे को पूरी नॉलेज है, मैं यहीं पे काम वाम करता हूँ लेबर में। मोंटी मजे ले रहा है। नहीं मजाक की बात नहीं है, मैं इसी में काम करता हूँ। तो यहाँ पे ये चिमनियाँ बन रही हैं, दिखाओ उनको, चिमनियों को दिखाओ। रुक जाओ रुक जाओ। तो भाई ये मोंटी कह रहा है कि ये भट्टी का लुक है, इसको दिखाओ लुक को पूरा। ये भट्टे का कुछ ऐसा लुक है। मोंटी मोंटी की रिंग टू। यस पुराने जमाने के राजा महाराजा के महलों के जो दरवाजे नहीं होते, जो वो वाले से लग रहे हैं। चिमनी है इसकी, देखो ये ऊपर वाली काफी बड़ी है। तो गाइस ऐसा है कुछ यहाँ पे सिस्टम। और ये देखो ऐसे ऐसे ईंट पाती जाती है यहाँ पे, तो फिर ऐसे रखी जाती है आजकल। ये मोंटी ये जनरेटर क्यों लगाया जाता है ऐसे इसमें? ये जनरेटर इसकी जो आग को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसमें लाइट वगैरह बन उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस ये लेबर का काम बहुत कम हो जाता है और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है इसमें। और ये मैं और मोंटी जा रहे हैं ऐसे। मोंटी हेलो मोंटी आंदाऊ। मोंटी के ताऊ का फोन आ गया, तो अभी देखते हैं चलते हैं फिर और आगे आपको बताते हैं। एक रो वाइज रो ऐसे ईंट रखी जाती है और ऐसे चिमनियन में आग लगती है, तो काफ़ी काफ़ी तेज आँच चलती है और फिर ये ईंट पकती है उससे। तो इतना ही है भट्टे के बारे में नॉलेज तो अभी हमके, और बाकी नॉलेज हम किसी से पूछेंगे, अभी तो इतना ही है। हमने कुछ ऐसा ही रिव्यू दिया था भट्टे के बारे में जितनी हमें नॉलेज थी, और बाकी रिव्यू अब समय आने पे देंगे। जैसे यहाँ पे काम स्टार्ट वगैरह होगा तो उन्हें ज़्यादा हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी वहाँ पे। तो आजा मोंटी फिर चलते हैं फिर। अब फिर हम जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं कहीं और घूमने की सलाह बना रहे हैं। मोंटी कहाँ चलने हैं? भिसावर चलने हैं। चलो भिसावर चलते हैं, लोकल मार्केट है यहाँ पे, लोकल मार्केट है हमारे यहाँ का, तो वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। अब ठंड लग रही है तो क्या करें, मेरा तो मन कर रहा नहीं है, पर मोंटी कह रहा है। फिर हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी रिव्यू दिया था तो अभी हम जा रहे हैं भट्टे की तरफ। और बाकी जो कुछ नॉलेज होगी, जैसे भट्टे में कितना प्रॉफिट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो बाकी सब चीज़ अभी हम आपको किसी दिन मुनीब के पास जाएंगे तब बताएंगे। फिर अभी मुनीब जी तो घर पे गए हुए हैं, तो इस वजह से हम उनसे कांटेक्ट किया था, तो वो भी घर पे हैं, तो इस वजह से हम उनसे बात नहीं करा पाए। तो बताएंगे आपको जैसा क्या क्या प्रॉफिट करना पड़ता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना लॉस होता है, वो सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे आपको। और तो फिर गाइस देखते रहिए ब्लॉग को, और अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिला तो दिखाते हैं आपको अभी। अभी तो गांव में ही, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग होगा। वैसे वैसे हमारे भैया जा रहा है, भैया देखता जा रहा है। तो गाइस भट्टे पे से तो हम आ गए थे, तो कुछ इंटरेस्टिंग तो मिला नहीं, पर आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि आज मैंने टोपा लगा रखा है। देखो ऐसा मैं टोपा पहनता नहीं हूँ, पर आज मम्मी ने बोला कि टोपा लगा ले, ठंड है, तो इस वजह से मैंने लगा लिया। और आज गाइस एक इंटरेस्टिंग बात, आज मैं नहाया भी नहीं हूँ गाइस। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं नहाया नहीं था। तो गाइस मैं जैसे बता रहा था ना कि वो मशीन जो होती है, जो जो उनका मिक्सर करके लाती है मिट्टी का, तो देखो गाइस कुछ ऐसे रोडों को बिगाड़ देती है इसने। अभी ये कुछ दिन पहले रोड बना था, तो उसकी वजह से ये रोड भी ख़राब हो गया काफ़ी। और मोंटी पे किसी का फ़ोन आ गया। मोंटी किसका फ़ोन है भाई? मेरे फ्रेंड का है, मनीष चौधरी का। मनीष का फ़ोन आ रहा है मोंटी पे, तो फिर मोंटी का कोई दोस्त होगा। तो गाइस फिर व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। कुछ आज इतना खास तो है नहीं इंटरेस्टिंग के साथ। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम गाइस।